हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो हमारे रेडमी 4X पे बेस्ड है। जैसे कि आप देखते हैं, इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन में 10 मिलेगा, जो कि पुराना वर्जन है। यहाँ पे आर आर रोम है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये आर आर ओ एस क्यू 8.7.0 वर्जन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सनटोनी के लिए अनऑफिशियल वर्जन है ये। 5 जून का सिक्योरिटी पैच है, बिल्कुल लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी पैच एंड द बिल्ड मिलेगी देखने के लिए। सारे डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। तो आप हमारे चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर टेलीग्राम का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने के लिए। जो भी आपके डाउट हो गए आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए यहाँ पे हम इसके फीचर चेक कर ले। पहले मैंने इसकी फीचर वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हो। फीचर जाके आर आर का टूल्स मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। फुल आपको कस्टमाइजेशन मिलती है इस वाली रोम में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे या फुल कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे पैनल्स मिल जाएंगे, सिस्टम मिल जाएगा, इंटरफेस मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन, एनिमेशन, मिसलिनियस आपको मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी इसके फीचर्स तो काफ़ी सारे हैं, पर बाकी मैं इसमें भी बात करूँगा 3D। यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात करूँगा, कैसे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, बेस्ट है या नहीं है परफॉर्मेंस इसमें। सिस्टम में आपको ये नेविगेशन बार आपको मिल जाता है देखने के लिए, आप ऑफ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। हार्डवेयर कीज़ ये आपको डिसेबल है, यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हो, जैसे कि आप जैसे चेंज भी कर सकते हो सिस्टम नेविगेशन बार में। तो हार्डवेयर कीज़ मैंने इनेबल कर दिया यहाँ पे। जब आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार इनेबल करोगे, तो आपको हार्डवेयर कीज़ जो है डिसेबल हो जाएगी। और यहाँ पे हम सेफ्टी नेट चेक कर लेते हैं, फिर हम फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेंगे कितना आपको फास्ट मिलेगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक। तो भी थोड़ी सी रोम ये डेली यूजेज के लिए इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं लग रही मुझे ये। थोड़ी सी यहाँ पे कोई भी फेल्ड मिलेगा, सेफ्टी नेट भी और डिवाइस भी सर्टिफाइड नहीं यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर से। और यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको स्पीड देख लेते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट की और फेस अनलॉक की भी, दोनों हम चेक कर लेंगे कैसे आपको स्पीड मिलेगी ये। अगर मैं इसमें 3D बेंचमार्क जितने मैं टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3D मार्क हो गया, 3D N22 हो गया, यहाँ पे गीक बेंच हो गया, कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बीच में आपको एरर सा दिखा देता है वो, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये फिंगरप्रिंट है, मैंने अप्लाई कर लिया है, स्पीड चेक कर लेते हैं। टैप यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी, यहाँ पे थोड़ा सा डिले है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है यहाँ पे फिंगरप्रिंट ये। अभी ये मैं इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा डेली यूसेज चले वाली रोम, तो इसमें आपको थोड़े से बग्स, मतलब डिले सी है रोम, मतलब सुस्त सी रोम जैसे होती है ना, वैसी है रोम। इसमें आपको पबजी परफॉर्मेंस की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि पबजी यहाँ पे डाउनलोड ही नहीं हो पा रही इस वाली रोम में। बार बार एरर आता है इसमें, गैस मैंने सारे दूसरे फ्लैश करके भी देख लिए, तो उसमें एरर आ रहा है यहाँ पे। तो यार ये रोम मुझे ठीक सी नहीं लगी, तो मैं आपको बता नहीं, रिकमेंड नहीं कर रहा। बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे। कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट करूँगा, मैंने इंस्टॉल कर ली थी कॉल ऑफ ड्यूटी। तो चलिए यहाँ पे मैं ये चेक कर लेता हूँ, फेस अनलॉक अप्लाई कर लेता हूँ पहले। ये आपको यहाँ पे एरर मिल गया, फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे फेस अनलॉक भी। चलिए वो जो भी चेक कर लेते हैं कितना आपको फास्ट मिलेगा। फेस अनलॉक तो काफ़ी फास्ट मिल जाएगा इस वाली रोम में आपको देखने के लिए। बाकी फेस अनलॉक तो फास्ट है, और फिंगरप्रिंट यहाँ पे काफ़ी स्लो है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो। ये मुझे वाला बिल्ड ज़्यादा ठीक नहीं लगा, तो पिछले वाला बिल्ड था आर आर का, वो ज़्यादा ठीक था। यहाँ पे रेडमी 5 में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका ठीक है बिल्ड, बाकी इस वाली डिवाइस के, इस डिवाइस के लिए बेस्ट नहीं है। और ये भी हमारा कम्प्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, N22 3D मैच बाग टेस्ट यहाँ पे कम्प्लीट नहीं हो पा रहा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टेस्ट भी, मैंने बहुत बड़ा टेस्ट करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो पा रहा। और 3D मार्क भी कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। जब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, वही आपको एरर मिल जाएगा, कुड नॉट कम्प्लीट, ऐसे कुछ लिखा आ जाएगा आपको देखने के लिए। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाद में जाके आते ना थोड़ा सा। तो मैंने आपको बता दिया, अगर कंप्लीट हुआ था मैं ज़रूर दिखाता आपको, मैं कंप्लीट हुआ नहीं है इसमें कुछ भी ढंग से, इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रही है रोम। MI रिमोट इसमें बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, कैमरा आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और ये आप देख सकते हो बहुत सारी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी इस वाली रोम में। तो चलिए यहाँ पे हम कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट कर लेते हैं, कैसे आपको स्कोर मिलेगा, मतलब कैसे आपको परफॉर्मेंस मिलेगा गेमिंग का इस वाली रोम में। बाकी डेली यूज़ के लिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये बिल्ड मुझे ठीक सी नहीं लगी थोड़ी सी। तो अगर आप चाहते हो, आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं अब ये एक्टिविजन। तो चलिए आर आर रोम को यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंस कैसा वो मिलेगा। परफॉर्मेंस तो काफ़ी ठीक मिल रही है इसमें देखने के लिए, कोई लैग नहीं था ज़्यादा, ये आप देख सकते हो। आप इजीली प्ले कर पा रहे हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एनिमीज ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हम परफॉर्मेंस। आप देख सकते हो कोई लैग नहीं है, एक भी लैग नहीं है। बाकी मुझे डेली यूज़ करके इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं लगी, क्योंकि इसमें कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट इसका भी काफ़ी स्लो है यहाँ पे देखने के लिए। और बाकी थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स थी इस वाली रोम में, तो आप वो देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो उसी टच ऐसी सी होती थोड़ी सी मेरे डिवाइस की, तो एक परसेंट का भी लैग नहीं है इस वाली रोम में। सारे सारी रोम्स बिल्कुल ओके परफॉर्म कर रही है बिल्कुल इजली। तो आप इस ज़रूर कर सकते हो इंस्टॉल, अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो। अगर आप आर आर के फ़ैन हो तो ज़रूर इंस्टॉल करना। तो चलिए ये बस था इसमें, इस वाली वीडियो में।
बिल्कुल आपको वर्किंग है। गेमिंग तो काफ़ी अच्छी मिल रही देखने के लिए, आप देख सकते हो बिल्कुल भी लैग नहीं मिल रहा। बाकी डेली यूजेज के लिए मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगी, यहाँ पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस मुझे लैग मिली है यहाँ पे, तभी तो मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं कह सकता मैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस टच थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे टच में, ये आप देख सकते हो। तो मेरे फ़ोन में डिवाइस में ही प्रॉब्लम है ये, तभी हो रहा था ये। तो चलिए इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।